सात खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा प्राचीन शहर राजगीर, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार की राजधानी पटना से महज 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। राजगीर को प्राचीन काल का रोम भी कहा जाता है। इसकी धरती से कई प्राचीन राजवंशों और साम्राज्य का उदय हुआ। बौद्ध और जैन जैसे धर्म पुष्पित पल्लवित हुए। राजगीर 5th सेंचुरी बीसी में मगध राजवंश की राजधानी थी, जिसे आगे चलकर हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने भी अपना राजधानी बनाया। प्राचीन काल में राजगीर शहर के चारों ओर बने साइक्लोपियन सुरक्षा दीवार के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जिसे राजगीर की सुरक्षा दीवार भी कहा जाता है। सात पहाड़ियों में से एक बैवरगिरी हिल के तल में दो रेक्टेंगुलर आर्टिफिशियल रॉक कट गुफाओं की श्रृंखला है, जिसे स्वर्ण भंडार गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं की बनावट बिहार के बराबर की गुफाओं से मिलती है, जो भारत की पहली आर्टिफिशियल रॉक कट गुफा है। पश्चिमी गुफा की मुख्य द्वार ट्रैपेज़ोइडल है। गुफा की भीतरी छतें पॉइंटेड हैं और वॉल्ट आकार की है। यह संरचना 3rd शताब्दी के प्री मौर्यन काल की रॉक कट संरचनाओं से मिलती है। मुख्य प्रवेश द्वार और खिड़की के बीच ब्राह्मणी लिपि में लिखे शिलालेख मिले हैं। शिलालेख के अनुसार यह संरचना 4th शताब्दी के गुप्तकालीन संरचनाओं के अनुरूप है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस गुफा का निर्माण जैन मुनि भैरादेव ने कराया था। पूर्वी गुफा मुगल आक्रमणकारियों और अंग्रेजी आक्रमण के कारण अवशेष मात्र की ही रह गई है। ऐतिहासिक मतों एवं प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पश्चिमी गुफा में प्राचीन काल के स्वर्ण खजाने का राज दफन है, जिसे अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण खजाने का भंडार माना जाता है। गुफा के अंदर की दीवार पर एक दरवाजे जैसी संरचना स्पष्ट दिखाई देती है, जो खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। यह रास्ता पहाड़ी के दूसरी और सप्तपर्णी गुफा में खुलती है। दरवाजे के करीब ही शंख लिपि में लिखे शिलालेख मिले हैं, जिसके बारे में मत है कि यह दरवाजा खोलने का पासवर्ड है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। शंख लिपि का प्रचलन बिंबिसार और आजाद शत्रुओं के समय होने के कारण यह खजाना मगध के शासक बिंबिसार का माना जाता है, लेकिन कुछ अन्य मतों के अनुसार इसे मगध के राजा जरासंध का भी बताया जाता है। पूर्वी गुफा की दीवार के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों की नक्काशी की गई मूर्तियां मिली हैं, जो खंडित अवस्था में हैं। ऐसी ही मूर्तियां पश्चिमी गुफा के बाहरी दीवार पर भी मिली हैं। इन मूर्तियों की नक्काशी संभवतः इन धर्मों के अनुयायियों के द्वारा की गई होगी, जिसे कालांतर में मुगल आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विखंडित कर नष्ट करने का प्रयास किया गया था। पश्चिमी गुफा के गुप्त दरवाजे के ऊपर काले रंग का निशान स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि खजाने को लूटने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासनकाल में इसे तोप से उड़ाने का असफल प्रयास किया गया था। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार इस पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में विस्फोटक खनिज उपलब्ध होने के कारण भारत सरकार द्वारा
इसे किसी भी तरह के विस्फोट के लिए निषेध कर दिया गया है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, बिहार का स्वर्ण भंडार गुफा आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है, जो देश विदेश के पर्यटकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है। राजगीर देश की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना से सीधा रेल मार्ग से जुड़ा है। निकटतम रेलवे स्टेशन राजगीर जंक्शन, निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और बोधगया। सड़क मार्ग द्वारा पटना और गया से राजगीर की दूरी क्रमशः 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर है।